फाइनली दोस्तों 4 बजे का आप लोग दोस्तों नाश्ता देख सकते हैं। ये नेपाल का नाश्ता वेरी टेस्टी है। ये चाउचाउ हो गया, मैगी जैसा बहुत टेस्ट रहता है। और ये प्याज भी इतना रखे हैं और टमाटर भी है और हरियरका मिर्च। और हम हैं और हमारा गोलू भाई है। और देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है और यहाँ पे देखिए चूल्हा भी है। और हमारा एक बहन भी इधर देखिए है, छोटा वाला बहन। और अभी हम लोग दोस्तों इसको हम लोग बनाते हैं इस तरीका से, बहुत टेस्ट लगता है प्याज व्याज। चलो छोटी बहनी चीरो चीरो, प्याज चीरो अच्छा से। देखिए प्याज चीरने लगे और हमारा गोलू छिल रहा है देखिए प्याज। और अंकुश कहाँ है गोलू? उस घर में। अच्छा, मैं अभी चूल्हा आँच लगाऊँ कि अभी नहीं? अभी थोड़ा देर के बाद। ठीक है, देखो प्याज को अच्छा से चीरना इसको। हाँ छोटी बहनी को चीरने दो, ठीक चीर रहा है। पानी तुम एक लोटा ले आओ, जाओ एक लोटा लेकर आओ। और दोस्तों बहुत टेस्ट लगता है चिवड़ा के साथ दोस्तों आज हम खाएंगे। तो जरूर आप लोग अंत तक ब्लॉग देखिएगा। देखिए इतना गर्मी में, बहुत ज़्यादा गर्मी है और हम लोग के घर में इतना गर्मी हो रहा है कि हम ही लोग बूझ रहे हैं। और पेट के लिए तो दोस्तों नाश्ता बनाएंगे। देखिए हमारा इधर छोटी वाली बहन इधर चीर रहे हैं ना, फिर के इसको छिका में रखते हैं। और ये हरा मिर्च भी है, हरा मिर्च भी लगाएंगे। और देखिए चलिए इस घर में भी हम थोड़ा दिखा देते हैं आप लोग के, इस घर में कौन कौन है। अंकुश बाबू देखिए, उसका मम्मी दोस्तों तबीयत खराब है, देखिए अभी सोचता है। अरे अंकुश चलो बाबू, चलो आ जाओ। हाँ देखिए आ जाओ बिटिया, चलो चलो उधर देखो, चलो आ जाओ। दोस्तों बच्चा कितना क्यूट है आप लोग जरूर कमेंट करके बताना। आ जाओ। हाँ दोस्तों इतना गर्मी में अभी चूल्हा पे हम लोग चलते हैं, नाश्ता बनाते हैं और दिखाते हैं आप लोग के कैसे बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे प्याज वाज भी हो रहा है। टमाटर गोलू धो दो, पानी आ गया है इधर। हाँ बेटिया देखो ये बोल रहा है, छोड़ दो, बैठो अंकुश बैठ जाओ। ये देखो उठा रहा है बच्चा। वाह खाओ बेटिया, देखो एक ले लिया, दो ले लिया। हाँ खाओ चाउचाउ दोस्तों बहुत ही खाता है, पर लीवर खराब होने से इसको नहीं खिलाते हैं। और थोड़ा बाहर के भी नज़ारा चलिए आप लोग घुमा देते हैं। और लक्ष्मी भैया देखिए इतना ना काम कर रहे हैं, गर्मी हो रहा है। हाँ कौन था ये देखो दोस्तों, ये कछुआ है, ये गोलू का दोस्तों दोस्त हो गया कछुआ। तुम्हारा नाम कछुआ है दोस्तों, कछुआ जैसा उसका हरकत है। चलिए अब हम बाहर थोड़ा आते हैं, हमारा मास्क से भी आप लोग मिलिए। हाँ बहुत गर्मी है, घर से बाहर आया हूँ देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे हमारा माँ है। और ये देखिए क्या हो गया है यहाँ पे दोस्तों, धान रखे थे हम लोग पर इसको चूहा सब बिल में ले गया है। तो वही बिल के दोस्तों निकाल कर वहीं यहाँ पे देखिए बना रहा है, यहाँ से ट्रैक्टर भी जा रहा है। हम लोग के मेन रोड पे घर है, थोड़ा सा ही घर है आप लोग देख सकते हैं। और इसी अभी हम लोग रोड के किनारे बैठे हैं और माँ हमारा देखिए कैसे डगरा से पटक रहे हैं। हाँ देखिए वो खंखरा है, ये सब खंखरा हो गया है दोस्तों, ये चूहा खा गया है, ये धान को चूहा खा गया है। और हमारा भगनी वहाँ पे, और सब हाल चाल बताओ, ठीक है? खाना हो गया नाश्ता? चलो मैं बना रहा हूँ चाउचाऊ, मैं दिखाता हूँ चाउचाऊ मैं बनाकर, और आप लोग भी देखे। प्याज हो गया गोलू, बहुत गोलू हमारा मेहनत किया। देखिए यहाँ पे कढ़ाई में नहीं, एक छोटा सा तसला चाहे डेगची, नहीं है डेगची, छोटा सा डेगची ले आओ, इसमें अच्छा नहीं बनेगा। हाँ डेगची ले आओ चाहे तसला, थोड़ा सा डेग ले आओ ना, डेग ले आओ। ये सब गर्मी हुआ है क्या? ये सब अच्छा फूंद के आए हो यहाँ पे। देखिए टमाटर हो गया, प्याज हो गया और मिर्चा भी दोस्तों काट दिए हैं। और चाउचाउ छोटा सा डेक ले आओ, छोटा सा डेक। और अंकुश कहाँ चला गया? बहुत गर्मी दोस्तों, बहुत गर्मी यहाँ पे देखो दोस्तों। हाँ बेटिया
चाउ चाउ खा रहे हो? खाओ मैगी दोस्तों, है मैगी, आप भी जानते हैं। चाउ चाउ ढेर मत खाओ, ज्यादा मत खाओ बिटिया, इसको चाउ चाउ ज्यादा मत खिलाओ ना, तो यही स्थिति में देखो मैं इसको तबियत खराब हुआ है। बबिया ये मुंह पोंछ लो ना, हाँ कि गर्मी है, सब सूख जाएगा। बोलो इसमें, मैं चाउ चाउ बना रहा हूँ तो नाश्ता करना, ठीक है? हैं अभी बना रहा हूँ, चलो। कैसे बनाते हैं? मैं तो जानता हूँ। चलो डेगची ले आओ, देख लू ना, खटा उठा ले आओ, और ले आओ दू जगह भी। देखिए यहाँ पे हमारा गोलू भंसारी जैसा दोस्तों, इतना गर्मी में दोस्तों झोंक रहे हैं। देखिए इसका बहुत हाई बीट है, पहले भूजा बना रहे थे तक का गोलू तू। हाँ ये देखिए दोस्तों, लेरुआ के आँच कितना लग रहा है। इसमें पानी रखो, ये पानी में क्या क्या है, ऐसे करो ये सब जाकर फेंक दो, ठीक है? अच्छा से पानी भर के ले आओ, हाँ थोड़ा थोड़ा लगाना, कैसे उसमें गंदा हो जा रहा है, ठीक है? ये देखिए भंसारी, और यहाँ पे लोग है खाने के लिए, अभी बाबू बनेगा था खाना, ठीक है? सुंदर बेटिया है। और इसमें कमी और क्या क्या है, प्याज हो गया, टमाटर हो गया, हाँ एक अंडा कमी है, अंडा है कि नहीं? कहाँ है? एक अंडा डाल लेंगे, अच्छा लगेगा अंडा वाला ना कोई। देखिए अभी इसको दोस्तों हमारा छोटी बहनी फाड़ के रखो, उसमें छिपा है सब काटा, हाँ इसमें मसाला, और देखो चिट्ठी भी आया है, इसमें चिट्ठी भी देखना क्या क्या पड़ रहा है सब, इसको अलग रखो। एक प्लेट खींच दो, बोलो प्लेट छोटा सा, हाँ इसमें रख दो, और ये भी फाड़ो, ये भी फाड़ो, काफी ये टेस्ट लग रहा है चाउ चाउ, वाह ये भी रखो, ये भी। इसको इसको भी फाड़ दे लो, इसको है ना चूड़ा हल्का हल्का, ज्यादा चूड़ा में खाना नहीं ज्यादा नहीं होगा, इस तरीके से तो हल्का हल्का बस, इसमें भी चीज हाँ बस, तो इतना हो गया। ये सब दोस्तों मसाले भी लगाएंगे अच्छा तरीके से, बस ये हो गया। गोलू पानी गर्म हो गया, चलो हाँ आँच लगाओ, आँच लगाओ, और मसाले में क्या क्या है, हल्दी हल्दी और गरम गरम मसाला है, ये क्या है इसमें, लहसुन, लहसुन भी थोड़ा जावा छोड़ाओ इसमें, लहसुन के जावा, तेल गोलू नहीं है, तेल है। गोलू हमारा कितना गर्मी लग हो रहा है ना, आँच लगा रहे हैं, तेल इधर होगा, नमक भी इधर है, तेल भी लेकर आओ, लेकिन लहसुन के जावा सब तैयार हो गया है। अब इसको दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसमें ये पानी भी गर्म हो गया है, अब इसमें दोस्तों देखिए ये लहसुन का जावा हो गया, ये जावा भी पानी में लगा देंगे, मिर्चा भी, मिर्चा प्याज टमाटर इसमें ये सब लगा देंगे, ठीक है? देखिए इस तरीक़े से, ठीक है, ये भी लगा देंगे वो दो चाउ चाउ, ये है हम लोग चाउ चाउ बोलते हैं। देखो उधर हाथ पकड़ो, हाँ देखिए बस तुम आँच लगाओ, चाउ चाउ भी लगा दिए, और ये सब मसाले हैं, और ये देखिए तेल, तेल के सीसी खोलो, नमक खोलो, बोलो नमक खोलो, मैं लगा लूँगा, ये तेल खोलो, ये देखिए दोस्तों नमक भी इतना लगा देते हैं, ठीक है, और ये है तेल, तेल भी हो गया। अब हमारा छोटी वाली बहन के
अंडा नहीं खाने वाले हैं, इसलिए अभी सादा बिना अंडा के बना रहे हैं। मेरा अंडा और इसको हम मसाला वसाला डालेंगे, ठीक है। तो मसाले में गोलू क्या क्या है? थोड़ा सा मिर्चा उर्चा दे दो ना, ये बाद में डालेंगे, स्वाद बढ़ाता है। मिर्चा कौन है? हल्दी कौन है? ये खोल दो। हल्दी मिर्चा हाँ सब दे दो। आँचू लगा दो, आँचू लगा दो। थोड़ा सा दोस्तों मिर्चा भी हम डाल देंगे। तेजा है ना? हाँ। तेजा है। हल्दी भी है हाँ। बहुत अच्छे अच्छे डाबा है। हल्दी भी लगा देंगे थोड़ा सा। और क्या है? बस बहुत अच्छे अच्छे दोस्तों ये डाबा है, देखिए घर पे रखे हैं ना। थोड़ा सा धनिया भी हम डाल देंगे, ठीक है। उम्र हो गया। और कोई टेस्ट वाला गरम मसाला वसाला नहीं है? ये क्या है? धनिया। धनिया है ना, और इसमें डब्बा ये रहा ना। देखिए मसाले लगा दिए, आप जो चाऊ चाऊ में के मसाला है ये सब रख दो। हाँ तेल लगा दिए हैं, ठीक है। तेल भी फाड़ दो उसको। हाँ देखो हाथ मत काटना। तेल भी लग जाएगा काफ़ी, इसको 15-20 मिनट में तैयार हो जाएगा, मस्त लगेगा दोस्तों टेस्ट। ये अभी दोस्तों शाकाहारी बना रहे हैं, कैसे इनको नहीं खाने वाला है ना आज। हाँ तो एक अंडा भी इसमें लगा देता गोलू, बहुत टेस्ट लगता है नेपाल में। देखो मिर्चा भी हो गया, इसको मजे से तोप दो और आँच लगाओ, ठीक है। चिवड़ा उड़ा है ना? हाँ। चूड़ा घर पे गिलाना पड़ेगा ना? है है। देखो मिर्चा इसमें भी देता है, मसाले अच्छे से पूरा लगाओ। ये देखिए बस दो और मचा है, सब लगा दो। बोलो छोला दो, छोला छोला दे दो। देखो दोस्तों सब डल गया, तेल वेल तो सब हो ही गया है। अब इसको अब हम चला देते हैं। हल्दी भी गोलू ठीक है, हल्दी भी ठीक है ना। अब इसको दोस्तों आधा घंटा तक, 15-20 मिनट तक इसको अब आँच लगाएंगे और हम तोप देंगे इसको। इस तरीके से तोप दिया। गोलू कितना मेहनत कर रहा है, देखिए पोरा के आँच लगाने का इसका हैबिट है। चलो थोड़ा देखते हैं। ये देखो दोस्तों खोल रहा है ना। वाह वाह गोलू काफ़ी अच्छा बना है, बस 2-3 मिनट और लगा दो तो हो जाएगा। हाँ पर थोड़ा और बड़ा बड़ा होने दो, ठीक है। पर इसको नमक में अभी थोड़ा देर में टेस्ट करेंगे, ठीक है। एक और चाव चुप लगाए कि हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों थोड़ा देर और इसको बरखा दो, बस हो जाएगा। देखिए हमारा बाबूजी दोस्तों अपना खेत में से क्या क्या लाए हैं। ये टमाटर है और ये क्या चीज़ है? झिंगुनी। ये झिंगुनी है, चलो इसमें प्लेट में रख दो, प्लेट में रख दो। और नाश्ता बन रहा है तो नाश्ता कथी बनेगा? चिवड़ा और चाऊ चाऊ। इसमें दोस्तों इतना गर्मी हो रहा है, कैसे इसमें है ना धुआं निकलने वाला रास्ता नहीं है। देखिए पूरे अंधेरा अंधेरा हो जा रहा है ना। चलो अब देखते हैं, हो ही गया होगा। ये देखो कितना गोलू खौला रहा है। वाह थोड़ा नमक टेस्ट करो ना, लो लो। वाह चिवड़ा में खाने लायक तो हो गया है, ठीक है। थोड़ा और कर दो इसको, जाम हो जाएगा। चिवड़ा लायक तो थोड़ा रस रहेगा तो सही लगेगा। हमारा गोलू दोस्तों उठा लिया है, क्या करें यहाँ पे रखो चटाई पे। हम कुछ भी खाएगा यहाँ पे, देखिए। और बाबू जी बैठा है, इसको फटक दो चिवड़ा, ये घरेलू चिवड़ा है। देखिए
चलो पानी भी लेकर आ जाओ, पानी भी लेकर आओ, मछली नहीं है। ये देखो चाऊ चाऊ है। देखिए दोस्तों, आइए अब हम रखते हैं सबको नाश्ता और आपको कुछ निकालते हैं। ये हमारा हो गया, ये हमारा। बस माँ के इधर करो। अगर तू माँ बोलो कितना चाहिए, तो पूछिए। चलो इधर ले आओ गोलू के, हमारा वो अंकुश के भी खिलाएंगे। बाबू देखो खिलाएंगे बच्चा, ये किसका है देखो। राधा राधा कम में राधा, इधर रस दादा, खाते हैं। आइए माँ खाओ, अंकुश भी खा रहा है। आओ उसका भी अले अंकुश को खिलाओ, छोटी बहनी अंकुश को खिलाओ। हाँ देखो वाह चौमिन खा रहा है दोस्त, देखो। हाँ खा लो बेटिया, खा लो खा लो खा लो। देखिए दोस्तों पूरा पतीला खाली हो गया, बहुत टेस्ट बना था। उधर अंकुश की माँ भी खा रहा है और बाबू जी हमारा खाया नहीं, बैठे हैं। और बबिया भी नहीं खाया, बोलते हैं चौमिन चाट वाट नहीं खाते हैं। और देखो ओह छोड़ दो बच्चा, अले अले खा लो। दोस्तों सब आदमी खा लिया, बहुत अच्छे से पेट भर गया और बहुत खुशी लगा दोस्तों से। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक यहाँ तक ब्लॉग आकर देखे, उसको दिल चौड़ा कर दिया। आप लोग ऐसा ही, आप लोग के हमारा सपोर्ट चाहिए, प्यार दुलार करते रहना हमेशा तक से। कोशिश करेंगे अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाते रहेंगे। और आज के ब्लॉग अब हम एंड करते हैं ऐसे ही घंटे में। दोस्तों मैंने सब नाश्ता उस्ता कर लिया डेढ़ घंटे में, और शाम को फिर मैं ब्लॉग शूट करने वाला हूँ। आज रात के शायद अंडा बनने वाला है, हाँस के अंडा, तो सब शूट करेंगे। अगले ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसके बाद मेरा वाइफ के भी कल या आज ही दोस्तों मैं अपलोड करूँगा, तो जरूर देखना, मेरा वाइफ से भी मिलना। तो चलिए चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन पर जरूर दबा लेना। कैसे अभी हम खाना वाना खाकर अपने छत पे बैठे हैं, देखिए यहाँ से पूरे हवा हवा आ रहा है, खा रहा हूँ कैसे, बहुत गर्मी है। चलिए किसी नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। जब तक जय हिंद वंदे मातरम, ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा हमारे चैनल पर। जय हिंद दोस्तों, फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।